चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी में, जहां पर कई विकास कार्यों का वे शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। लाइन बिछा के सर, प्लस हाँ सर, इनका राइट्स हैं सर, जैसे टेलीकॉम में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में सर राइट्स दिए गए थे, वैसे इनको राइट्स दिए हैं सर। इस एरिया में ये गैस पाइपलाइन बिछाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेंगे, सप्लाई ये करेंगे और कंज्यूमर से वसूली भी ये करेंगे सर। तो वो रेगुलेटर वाला सिस्टम है सर, ऑपरेशन चार्जेस भी रहेंगे। ये अभी इंफ्रा डेवलप होगा सर, 4-5 साल में सर इस स्टेट में पूरा गैस ग्रिड डेवलप हो जाएगी सर। ये भी 5-6 साल हो गए हमने कोटा के अंदर भी, कोटा में जैसे अभी टोरेंट ने सर काफी स्पीड से किया सर, 12 और कोटा दोनों में चल रहा है सर। गैस की डिमांड है, अपने सर सिरेमिक बहुत है सर, जैसे सिलिका राजस्थान में बहुत ज्यादा है सर, जैसे बीकानेर में है सर, प्लस अपने टाइल इंडस्ट्री है। यस सर, इको का मुख्य काम सिर्फ भूमि का डेवलपमेंट करके सर उसका ऑक्शन करना होता है सर। तो जो वित्तीय वर्ष 2019-20 है सर, उसमें 1212 ये सर इसमें रूट्स दिखाए सर, जैसे कलवर्ट लाइंस जो है सर, सर जैसे पिंक कलर का है सर, सर आपके पास इसमें सर वो ब्लैक एंड व्हाइट है सर, इसमें सर नक्शे में तो इसमें रूट दिखाया है सर कि प्लांट गैस पाइपलाइन कहाँ जाएगी सर, ये पिंक कलर में है सर। तो उसके आसपास सर रिको है अपने इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप कर रही है सर, ताकि ताकि फ्यूचर में सर जो गैस ग्रिड के आसपास के एरिया में इंडस्ट्रीज आ पाएंगे। ब्लैक वाला भी है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बाकी ये नए जो आ रहे हैं वो एग्जिस्टिंग तो है, इसका फायदा किसको मिल रहा है अभी सर? केवल एनसीआर एरिया में सर, एनसीआर में सर जैसे अभी नीमराना है और भिवाड़ी है सर, यहाँ पे टोरेंट ने 2 सेंटर बनाए हैं सर और हम पाइप्ड नेचुरल गैस अब देंगे सर पीएनजी को सर, पर अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका बिछा नहीं है सर। सर अपने रिको का मुख्य काम सर जमीन को डेवलप करके उसको ये करना होता है सर, हमने इसे पूरा ई ऑप्शन के तरीके से सर पूरा ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से उसका कर रहे हैं सर। पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 19-20 में सर टोटल 1212 टोटल प्लॉट पूरे ऑप्शन हो गए थे सर, और जो काफी एक जंप मिला था सर इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। और इस साल में भी सर कोविड को देखते हुए फिर भी अभी तक सर 613 हुए हैं सर, इसका मतलब ये हुआ सर इसी ट्रेंड चलता रहा तो पिछले साल से भी ज्यादा इस बार हो जाएंगे सर। तो ये हमने सर सारा ट्रांसपेरेंट कर दिया सर, अब ऑक्शन से ही मिलता है सर, उसकी जरूरत इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन से ही मिलता है सर, तो वो अलॉटमेंट की प्रोसेस खत्म कर दी सर। ठीक साल के बावजूद भी अच्छा है जी सर, वो अपना सिंगल स्मार्ट डिस्टर्ब वाला सर, वो सर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आएगा सर, वो अलग से अपन रिव्यू ऑफिस होगा सर और वीआईपी भी वहीं का हाउस होगा, और उसको हम लोग दो वॉल से इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसका एक सेपरेट आइडेंटिटी भी बना रहे हैं। कब तक हो जाएगा ये सब? हमारा टारगेट है कि 30 दिसंबर को इसका सर आप के माध्यम से पूरे उसको लॉन्च करें सर, और रिवोल्यूशनरी काम हो जाएगा। और उसको सर जिस मंशा से हम लोगों ने किया सर, आपने मेरे को ध्यान है जब कैबिनेट मीटिंग में आप अप्रूव कर रहे थे, आपने कहा था कि जो सिटी बंदों को हमने इस मंशा से स्थापित किया था वो नहीं होगा, इंचार्ज उसका 5 साल लगा दिया बनाने में, कोई काम का नहीं रहा।
कोई बार ऐसे कर रहे हैं सर कि इंडस्ट्रियलिस्ट आए तो उस बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना पड़े, सारे काम वहीं पर हो जाए और वो सिंगल पॉइंट पॉइंट कॉन्टैक्ट जो कि सिंगल विंडो की मंशा थी उसके बाहर से कहीं नहीं जाना, उस तरह से उसको लागू कर रहे हैं। और उसका एक समागत कैलेंडर बना लिया सर, मंत्री से अप्रूव भी करा लिया, दो तीन बार मंत्री जी के तो दिसंबर से रखो फिर आप दिमाग में डेड लाइन ठीक। सर रिको ने सर बिजनेस प्रमोशन के लिए बहुत ये करे हैं सर, पूरे पूरे राज्य भर पूरे देश भर में सर हमने टीमें भेजी सर, 28 शहरों में गई और खास तौर पे जो अप्रवासी राजस्थान कहते हैं सर, हमारी बिजनेस प्रमोशन सेल इस पर हमने एक अलग किया सर। हमारे जितने भी ऑफिसर है, यूनिट हेड है सर, यूनिट्स के जो ऑफिसर होते हैं, रीजनल मैनेजर, सभी के सभी ऑफिसर सर और हेड ऑफिस के, ये तो बिजनेस प्रमोशन में सर हमारे पास 6 ऑफिसर है सर। तो हमने 6 ऑफिसर के बिना बनाए सर लगभग 250 ऑफिसर्स है, तो पूरे देश भर में 28 स्थानों पे गए और बहुत ही कम टाइम में उनको ये कर लिया सर। वहां जाके जितने भी एसोसिएशन है उनके रूबरू हुए सर, उनको सबको मोमेंटो भी दिए और सब किया और ये पूरा सर इसका अभी नतीजे अपन को अभी मिल रहे हैं सर बहुत अच्छी तरीके से। उनको सबसे मिला है सर, सभी से, और हमारा सर रिको की टीम का बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ सर। सर 250 से भी ज्यादा सर, मतलब कितने हमसे लगातार सबको उनको ये कर दिया सर, 1-1 लाख रुपए का उनको ये दिया था सर, अगर आप जाते हो तो खर्चा करना सर, नतीजा ये निकला सर कहीं पर आप उनको खर्च करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी कि सब जगह हमारा स्वागत हो गया, सब कुछ हमारा हो गया सर वहाँ पर, किसी प्रकार का लोग तो जुड़ना चाहते हैं। पहले मनील के कुछ क्षेत्रों में सर बहुत अच्छा है, बेंगलोर में सर, लेकिन रुझान बहुत अच्छा है सर, वहां से आना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर और बहुत ज्यादा है इस पर सर। ये अगला सर PCPR का सर जो भी काम कर सकते हो, अधिकारी के अलावा कुछ MLA कुछ मंत्री जाना चाहे मान लो, पहले आते थे कलकत्ता और बेंगलोर बॉम्बे बड़े शहरों में, तो एक माहौल बन जाता है कि हमें इन्वाइट करने आ रहे हैं, तो कुछ जो जिनका इंटरेस्ट हो रहा वो कर सकते हो, कुछ टीमें बना लो कि वो जब फर्स्ट सिंगल विंडो वाला एक्टिव हो जाएगा एक्ट, तब फिर आपको एक साथ में अगेंस्ट ही डालना पड़ेगा, तो एक राउंड आपने कर लिया अच्छा किया, सेकंड राउंड आप उनको भेज दो, तो उसके बाद में क्या आने वाले की अगर रेस्पॉन्स अच्छा मिले तब जाए काम कर, अब इन्वेस्ट ला नहीं रहा है आपको कोविड काम से, अब आपने जो ये एक्सरसाइज की है इसे उम्मीद करते हैं आने लगेगा। सर पचपदरा रिफाइनरी का इसमें सर आपने पिछली बार डायरेक्शन दिए थे, उसमें काफी काम हुआ है सर, आज आपके हाथों से शिलान्यास भी कराएंगे सर, जमीन भी हमने देख ली सर बोरावास के अलावा में, उसके अलावा रामनगर थोक में बाड़मेर में वो भी जमीन आ गई सर, और जैसे मैं कह रहा था सर 16 स्थानों पे सर 2290 हेक्टेयर जमीन और आइडेंटिफाई करी है सर, इसका हमने सर प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट भी कर दिया सर, उन्होंने थोड़े और उसमें चेंजेस करने के लिए कहा, वो भी चेंजेस करके हम भारत सरकार को ये दे देंगे सर, अगर ये प्रोजेक्ट आ जाता है तो ये काफी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी सर। PCPIR सर भारत में 5 जगहों पर है सर, तो वो अपन ने सर इसका अलग से पचपदरा का प्रपोज किया भारत सरकार को सर, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के लिए सर, पूरा इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने के लिए सर, तो उसके लिए सर हमने सारा प्रोजेक्ट बना के भारत सरकार को भेज दिया है सर, हम तो अपना कर ही रहे हैं सर रिको का हाँ सर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सर, तो इसमें सर 5 अभी बने हुए हैं सर, जैसे एक तो विशाखापट्टनम में है सर, एक सर अपने गुजरात में है सर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे नया कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलपमेंट में भी क्या सर, ये बड़ोदरा और इसके बीच में है सर, दहेज के अंदर है सर, पेट्रोकेमिकल बहुत इकाई बहुत लगती है छोटी इकाई भी बहुत ज्यादा है सर, इसी से रिफाइनरी का ज्यादा फायदा तो उनको मिलेगा, तो अगर पचपदरा और जोधपुर बीच में जहाँ भी आप बनाओगे एरिया ना वो यहाँ पाएगी
सर इसका बहुत डिमांड है सर, इसकी तो इसकी डिमांड है। जैसे सर इसमें हमारे पास एक ही निवेदन था सर, जो कंपनी है सर एचआरआरएल सर, उनके बिजनेस प्रमोशन वो है सर, वो अभी हमारे साथ काम करना, हमने हालांकि बात बात करी है सर उनसे, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। सर एमएससी सीडीपी एक भारत सरकार का जिसके तहत प्रोग्राम के तहत पैसे मिलते हैं सर, तो हम सर अभी पूरा स्टडी कर रहे हैं सर, तो भारत सरकार की कौन कौन सी स्कीम है जिसके तहत पैसे लाए जाए सर, तो वो सर क्या सर एमएससी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्लस्टर। सर तो इसके तहत सर पहली बार सर जो पिछले वित्तीय वर्ष हमने चालू किया सर, कि बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट्स हमने भारत सरकार में भेजे हैं सर, और आपने देखा होगा 40 करोड़ का अप्रूव हो गया सर, और इस साल अभी तक 50 करोड़ के हुए हैं सर। इस साल सर अभी हम पिछले साल सर पूरे देश में हम सेकंड, तमिलनाडु के बाद हम सेकंड पे हुए हैं सर, इस साल पूरे देश में हम फर्स्ट नंबर पे चल रहे हैं सर। और अभी सर थोड़ी स्कीमें और भी देखी है, जैसे प्लग एंड प्ले का जो आपने घोषणा करी है सर, वो भारत सरकार से बात हो गई, उसको भी उन्होंने सपोर्ट करने की वो करी है सर। हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी अगले हफ्ते में हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार में जाएगी सर, तो ये इस तरह से सर काफी बड़ी संख्या में मतलब भारत सरकार के जो पैसे हैं सर वो भी अपन लाने की कोशिश कर रहे हैं सर। नेक्स्ट सर लास्ट स्लाइड, यस सर, इसमें जो प्रशासनिक स्वीकृतियां होती हैं सर, तो अभी सर सितंबर से हमें 11 प्रशासनिक स्वीकृतियां दी हैं सर, अनुमान ये है सर लगभग और 10 हो जाएगा सर, तो इसमें सर जो पूरा विस्तार है सर कार्यों का पूरे राज्य भर में ये काफी गति पकड़। रिको में सर प्रशासनिक स्वीकृति उसको कहते हैं सर जब इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा डेवलपमेंट करता है सर, जैसे रोड्स हैं, ड्रेनेज नेटवर्क है, लाइट्स हैं सर, तो वो सर बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रशासनिक स्वीकृति जारी करके फिर करते हैं सर। तो इस साल सर हमने संख्या बढ़ाई है सर कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो नए हैं उनको सबको सर फास्ट पेस पे डेवलप करें सर, तो वो किया सर। अच्छा तो ये प्रस्तुतिकरण सर एक छोटी सी फिल्म बने सर, आपको पूरा एक आइडिया देने के लिए सर, 3 मिनट की फिल्म। Thank you.